बच्चों इस बार एनटीए करेक्शन विंडो नहीं लाएगा आपके लिए। तो अगर आपने गलती से भी मिस्टेक किया फॉर्म भरने में तो गए, सीधा फॉर्म रिजेक्ट होगा और कोई चांस नहीं बचेगा। तो कितनी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा रिसर्च और डिटेल वीडियो बनाऊं, ताकि चूंकि करेक्शन विंडो नहीं है तो पहली बार में ही 100% सही भरो। और देखो हर साल ऐसे 50-100 बच्चे मिल ही जाते हैं जो एडमिशन से दूर रह जाते हैं। लास्ट ईयर की बात बता रहा हूं, एक लड़की है, शायद वो वीडियो देख भी रही होगी, उसका एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि उसने गलत मार्कशीट अपलोड कर दिया था, ठीक है, तो उसको अनफेयर मींस में ट्रीट करके एनटीए सीधा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है। इसलिए प्लीज ध्यान से देखिएगा, थोड़ा रिसर्च वीडियो है इसलिए हर बारीकियों पे फोकस करूंगा। इस बार एनटीए करेक्शन विंडो नहीं देगा और ऐसा 3 बार आपके बुलेटिन में लिखा गया है, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बच्चों इस बार एनटीए ने एक नया वेबसाइट लॉन्च किया नीट 2024 के लिए, nta.nic.in, वो उनका पुराना वेबसाइट था। तो पुराना वेबसाइट छोड़ के इन्होंने एक नया, ये वाले पुराना वेबसाइट पे इन्होंने कुछ नहीं किया, nita.nic.in ये पुराना वेबसाइट है, ऑफिशियल था, इस पे कुछ अपडेट नहीं हुआ है पिछले 7-8 महीने में। तो इन्होंने exams.nta.ac.in exams.nta.ac.in ये इस साल का ऑफिशियल वेबसाइट है आपके फॉर्म के लिए, ठीक है। अब इसी पे आपको सब कुछ मिलेगा। देखो यहां पे सीधा दिख रहा है लेटेस्ट न्यूज में, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन या लॉगिन। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। तो आपको फॉर्म कहां भरना है, exams.nta.ac.in पे। जब आप exams.nta पे जाओगे तो आपको पास पूरा पूरा खुल जाएगा। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है इस साल के लिए। अब क्या क्या छोटे बड़े चेंजेस हुए हैं आइए मैं बता देता हूं। सबसे पहले नीट के उसके बारे में बात कर लेते कि क्या क्या आपको दिया गया है। चलिए तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म के लॉन्ग फॉर्म है, ये बिल्कुल नहीं देखना है, इसमें आपका कोई काम का नहीं है। आइए अब बात करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें जो जानकारी लेना है बच्चों, हमें जो जानकारी लेना है वो यहां से लेना है कि सिलेबस ऑफ द टेस्ट क्या है, पैटर्न ऑफ द टेस्ट क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट क्या है, जो जो चीजें आपके फॉर्म भरने के लिए जरूरत है चैप्टर 7 तक। वैसे तो इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, बट चैप्टर 7 तक आपके फॉर्म भरने के लिए जरूरत है। एक एक करके मैं सारी चीजों को बता देता हूं अगले 10 मिनट में, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले चलते हैं हम, वैसे तो 17 चैप्टर्स है बट 17 चैप्टर्स की जरूरत नहीं है। चलिए, और बहुत सारे मिस्टेक्स भी हैं इस बुलेटिन में, वो धीरे धीरे मैं बता दूंगा आपको, जैसे चैप्टर 7 इसमें मिसिंग है। चलिए, अब कई लोगों को लग रहा था कि सर वो कहां बात ऐसा लिखा हुआ है कि एनटीए जो है एप्लीकेशन फॉर्म मतलब करेक्शन फैसिलिटी नहीं लेके आएगा। ध्यान दीजिएगा, प्लीज फॉलो द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। पेज नंबर 6 ऑफ द बुलेटिन में दिया गया है कि नो करेक्शन फैसिलिटी विल बी गिवन एट एनी स्टेज आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। जैसे ही अपने रजिस्ट्रेशन का सबमिट बटन प्रेस किया, आपकी तकदीर की चाबी वहीं पे खत्म हो गई, मतलब ताला लॉक हो गया है, अब वो चेंजेस नहीं हो सकता है, देयर विल बी नो करेक्शन फैसिलिटी। तो सबमिट बटन प्रेस करने से पहले 10 बार हम फॉर्म को देखेंगे, कहीं भी किसी भी तरह से गलती नहीं होनी चाहिए। आइए, बी एक्सट्रीमली केयरफुल इन फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, यू कैन एडिट या मॉडिफाई बिफोर सबमिटिंग द सेशन। आप हर सेक्शन, 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन में आपको भरना है फॉर्म, हर सेक्शन को भरने से पहले आप आइडेंटिफाई वो कर सकते हो, सबमिट करने से पहले ही चेंजेस कर सकते हो। जैसे ही सबमिट किया आपका फॉर्म नहीं चेंज हो सकता है उसके बाद, चेक अगेन बिफोर प्रोसीडिंग द सबमिट बटन। चलो, कहा जा रहा है कि फोटोग्राफ सिग्नेचर लेफ्ट एंड थंब फिंगर एंड थंब इंप्रेशन, मतलब 10 की 10 उंगली की आपको वो चाहिए, इमेज चाहिए, वो अपलोड करना है, फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, लेफ्ट एंड राइट हैंड के फिंगर और थंब, लेफ्ट और राइट हैंड के फिंगर और थंब की आपकी अपलोड करना होता है। चलिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ध्यान दीजिए वैसा मोबाइल नंबर डालिए, मैं तो जान चाहता हूं कि आप पापा का मोबाइल नंबर डालिए, ताकि वो जल्दी चेंज नहीं होता है। आप स्टूडेंट होते हो तो आपके पास कोई भी रैंडम मोबाइल नंबर रहता है, वो चेंज भी कर सकते हो आप।
तो मोबाइल नंबर वैसा डालिए जो चेंज ना हो, क्योंकि फर्दर कोई भी एडमिट कार्ड आया, कुछ भी आया, तो लिंक विंक इसी पे आता है। और ईमेल आईडी एक ऐसा नया बना लीजिए और उसका पासवर्ड कहीं ऐसे जगह पे रख दीजिए जो बार बार देखा जा सकता हो, ठीक है। तो मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ऐसा डालिएगा जिससे फर्दर कम्युनिकेशन पॉसिबल हो, फर्जी सा कोई बना के वहां मत डालिएगा, क्योंकि अगला कम्युनिकेशन इसी से होगा। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पेपर का मीडियम बहुत अच्छे से, अभी आगे जाके सेलेक्ट करवाऊंगा आपसे, क्वेश्चन पेपर का मीडियम अगर आपने गलती किया, मान लो हिंदी भर दिया और आपको इंग्लिश चाहिए, चेंज नहीं हो सकता है। आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके बोलोगे मुझे इंग्लिश का पेपर दे दो, हिंदी में हूं, या हिंदी का पेपर दे दो इंग्लिश में हूं, नहीं होगा वहां पे, क्योंकि काउंटेड पेपर्स आते हैं, काउंट करके आता है, वहां पे कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। तो जो भी भरना है केयरफुली भरना है, क्योंकि यहां पे पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है नो करेक्शन फैसिलिटी विल बी गिवन। चलिए, जब ये मैंने आपको बताया, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, 9 फरवरी से 9 मार्च तक एक महीने का टाइम है, घाई नहीं करना है, जल्दी नहीं करना है। ऐसा नहीं हो कि पहले फॉर्म भर दिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, नो, पहले भरो या 9 मार्च को ही भरो, भाई जो स्कोर करेगा उसी का एडमिशन होगा। तो इसलिए आराम से थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ समझ लीजिए, एक दो बार हिट एंड ट्रायल कर लीजिए, फिर जाके सबमिट करिएगा, क्योंकि करेक्शन विंडो नहीं है प्लीज मार्केट। उसके बाद आइए, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन। अच्छा, फी जो है वो 9 मार्च तक भर सकते हैं, और फी कैसे भर सकते हैं, तो क्रेडिट कार्ड से भर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भर सकते हैं, नेट बैंकिंग अगर आपके पास है, या सबसे इजीएस्ट आजकल इंडियन सिस्टम आया हुआ है यूपीआई, यूपीआई से भी पे कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना यूपीआई आईडी नंबर डाला उसमें, और जैसे ही पे किया आपके फोन पे अप्रूवल आएगा, अप्रूव कीजिए और पेमेंट कट जाएगा। चलिए, करेक्शन इन द पार्टिकुलर्स। अब देखो, ऊपर लिखा है कि देयर विल बी नो करेक्शन विंडो, बट अगर करेक्शन इन द पार्टिकल्स टू बी इंटीमेटेड लेटर ऑन द वेबसाइट, मान लीजिए कि ये लास्ट में क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं, कुछ कुछ जगहों पे आपका करेक्शन विंडो दे देंगे, जैसे हर जगह पे करेक्शन विंडो करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, बट कुछ कुछ एड्रेस चेंज करना हो, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस करने हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है नाम में, तो वो सब आप चेंज कर सकते हो। बाकी ध्यान रखिएगा, कोई भी करेक्शन, मेजर करेक्शन विंडो नहीं आने वाला है। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिग्नेचर गलत अपलोड हो गया सर, थंब इंप्रेशन गलत अपलोड हो गया, तो वो सीधा रिजेक्ट में जाएगा। अच्छा, अब आते हैं फी। तो आपको पता है फी, आप देख लीजिए जिस भी कैटेगरी में है फी आपको इतना लगेगा, ये बहुत मैटर नहीं करता है। चलिए, सिटी ऑफ द एग्जाम वो वेबसाइट पे आएगा, और वेबसाइट कौन सा है, exams.nta.ac.in, exams.nta.ac.in ये लिखा हुआ है, exams.nta.ac.in। सर फिर कह रहे कि एडमिट कार्ड कब आएगा, वो भी आपको exams.nta.ac.in पे आएगा। डेट ऑफ द एग्जाम क्या होगा, 5 मई, हमें पता है। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम लास्ट ईयर से हमें कुछ बढ़ा हुआ मिल रहा है, 180 मिनट होता था, 200 मिनट हो गया है, 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ओएमआर भरने के लिए, चलिए अच्छी बात है। टाइम क्या होगा, तो 2 से 5 पहले होता था, अब 5:20 होगा, 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है भाई। सेंटर ऑफ द एग्जाम क्या होगा, एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। रिकॉर्डेड, जो ओएमआर रिकॉर्डेड आता है वो कब मिलेगा, वो आपको बताया जाएगा, अभी नहीं पता है। वेबसाइट कहां आपको विजिट करना है, तो exams.nta.nic.in पे। रिजल्ट कब आएगा, तो 14 जून को आपके तकदीर की फैसला कर दिया जाएगा एनटीए द्वारा, ठीक है बच्चों। अब ये तो चीजें ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें है नहीं बताने के लिए। आइए, कैंडिडेट को जो फॉर्म भरना है वो केवल और केवल ऑनलाइन मोड में है, आप ऑफलाइन, ऐसा नहीं है कि फॉर्म प्रिंट करा के फिर एनटीए को भेजना है, व्हाट्सएप करना है, ईमेल करना है, कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है, दैट्स इट। लेकिन सबमिट करने से पहले 10 बार चेक कर लेना है, क्योंकि करेक्शन विंडो नहीं है। कहां फॉर्म सबमिट करना है, exams.nta.ac.in पे। सबमिशन कहां होने वाला है, वही है बेटा, सबमिशन आपको एनटीए वेबसाइट पे, इस वाले वेबसाइट पे सबमिट करना है, ठीक है। द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ऐसा नहीं कि आप ईमेल कर रहे हैं, आप फॉर्म भर के ऑफलाइन निकाल लिया और फॉर्म भर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऑनलाइन ही होगा। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाई ए कैंडिडेट। आप ऐसा भी नहीं कर सकते, वो भी अनफेयर मीन्स में काउंट हो जाता है, कि आप 2 फॉर्म भर दिया, पता लगा कि पहला फॉर्म भरा उसमें कुछ गलती हुआ, सर सेम नाम से दूसरा फॉर्म भर दिया, बेटा वो ट्रैक हो जाता है कि एक ही नाम है, एक ही फादर्स नेम है, एक ही मदर्स नेम है, एक ही हायर स्कूल है, एक ही क्लास 12th का स्कूल है, तो वो ट्रैक हो जाता है। और 2 फॉर्म्स आपने डाला, ऐसा नहीं होगा कि पुराना वाला रिजेक्ट हो जाएगा, नया वाला आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, एक ही फॉर्म भरना है, अदरवाइज दोनों के दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे, तो बहुत केयरफुली समझिएगा। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द इंफॉर्मेशन। कर आप बुलेटिन को बड़े ध्यान से देखिएगा,
ऑन द एनटीए वेबसाइट पे जो दिया गया है, कैंडिडेट्स नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शंस हैव बी डिस्क्वालिफाइड, सीधा डिस्क्वालिफाई होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं, कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर जो हमने प्रोवाइड किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, या तो खुद का हो जो चेंज ना हो, या तो पेरेंट या गार्जियन का हो। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि फर्दर कम्युनिकेशन जो एनटीए करेगा, मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करना है, वो सारे लिंक्स इसी ईमेल और इसी वेबसाइट पे आएंगे, इसी फोन नंबर पे आएगा। ठीक है, जैसे आपका कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके एडमिशन के लिए कब जाना है, वो सारी चीजें यहां पे आएंगी। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, आपके पास इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप्लाई कह रहा है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करिए, अभी मैं बताऊंगा कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। उससे पहले फॉलो द स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले कहां जाना है, exams.nta.ac.in पे, exams.nta.ac.in पे लेटेस्ट न्यूज है क्लिक किया आपने। क्लिक करने के बाद कह रहा है रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वहां रजिस्टर करना पड़ेगा, न्यू कैंडिडेट के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर, एक सिस्टम ना एप्लीकेशन नंबर जनरेट करके देगा, उसको आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि आगे कोई भी फॉर्म आप भरोगे उसमें वो एप्लीकेशन नंबर चाहिए होगा, उसी से लॉगिन हो पाएगा। तो आप जब रजिस्टर करोगे तो आपको ऑनलाइन सिस्टम जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। द कैंडिडेट शुड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डिटेल्स व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन, आप कुछ आपसे नाम डेट ऑफ बर्थ ये सब पूछ लेगा। उसके बाद क्रिएट अ पासवर्ड देगा, अब क्रिएट अ पासवर्ड, जैसे पासवर्ड भी बड़ा सोच समझ के रखना है जो याद रहे, ऐसा कुछ अगड़म बगड़म रख दिया और पासवर्ड भूल गए, नहीं। एक पेन कॉपी लेते जाइए जिसमें आप पूरा नोट डाउन करिए कि सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर क्या है, पासवर्ड क्या रखा था। पासवर्ड के बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है, सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर भी नोट करके रखिए क्योंकि हम भूल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा बेटा एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से ही आगे का स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री खुलेगा फॉर्म के लिए। तो सबसे पहला स्टेप है एप्लीकेशन नंबर को बड़े ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, पासवर्ड को नोट डाउन कर लीजिए, सिक्योरिटी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अब एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, कह रहा है द कैंडिडेट्स कैन लॉग इन विद द एप्लीकेशन नंबर एंड द पासवर्ड फॉर कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। फिर आप पर्सनल डिटेल, एग्जामिनेशन, सिटी, मीडियम वगैरह जो भी भरना है फिर आप भरोगे, लेकिन उसमें तीन चीज इंपॉर्टेंट बता दी इन्होंने, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन। चलो फिर कह रहा है अपलोड करना पड़ेगा ए स्कैंड इमेज ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कितने साइज का होना चाहिए, कितने केबी का होना चाहिए, सब अभी बता रहा हूं। क्या क्या अपलोड करना है मार्क कर लीजिए, क्या क्या अपलोड करना है। देखो कैंडिडेट का रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ चाहिए। पासपोर्ट और पोस्ट कार्ड दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों में साइज भी बताऊंगा अभी क्या क्या उसके साइज है। उसके बाद सिग्नेचर भी आपको स्कैन इमेज चाहिए, आपके मोबाइल में एक एडोब स्कैनर आता है, एडोबी का स्कैनर आता है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए, उससे आप कर सकते हैं, या फिर किसी साइबर कैफे में जा रहे हैं तो उनके पास स्कैनर होता है मशीन, तो स्कैनर मशीन से और क्लियर आ जाता है। वैसे आप प्रॉपर लाइटिंग में मोबाइल से भी कर सकते हो। खैर, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स, बेटा लेफ्ट और राइट हैंड उंगलियां और थंब इंप्रेशन, मतलब आपको सारा का सारा स्कैन इमेज चाहिए, ऑल स्कैन इमेज चाहिए। अगर मान लो आप बाहर से हो, एनआरआई वगैरह हो, तो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा, और अगर आप कोई डिसेबिलिटी है तो वो भी आपको, उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, तो देख लीजिए क्या क्या आपको लगेगा, पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड साइज, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड पूरी उंगलियों का इंप्रेशन, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट छठा, और सातवां डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम जाते हैं बेटा, रीसेंट फोटोग्राफ आपको कैसे लेना है। पॉइंट नंबर वन, द रीसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट, या तो कलर भी चलेगा या ब्लैक एंड व्हाइट चलेगा, पर ध्यान दीजिए जो कलर भी लेंगे ना वो व्हाइट बैकग्राउंड में लेंगे, जो कलर फोटोग्राफ होगा उसका भी जो बैकग्राउंड होगा वो व्हाइट बैकग्राउंड होगा। ये आगे इन्होंने कहीं बताया हुआ है, आगे इसी बुलेटिन में बताया हुआ है, पूरा बुलेटिन पढ़ने के बाद रिसर्च में आया हूं मैं। ठीक है, तो रीसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर व्हाइट बैकग्राउंड में, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा। ध्यान रखिए मास्क लगा के फोटो नहीं खींचना है, ऐसी तरह से फोटो खिंचाना है, वैसे तो मैं कहूंगा कैमरे के सामने खड़े हो जाइए 100%, या फिर कई लोग हिजाब वगैरह पहनते हैं, कई लोग स्कार्फ बांधते हैं, उनके लिए कहा गया है कि 80% फेस दिखना चाहिए फोटो में। आप ऐसा नहीं कि यहां तक आपने हिजाब पहन लिया केवल आंखें दिख रही है, नो,
आप 80% फेस आपका विजिबल होना चाहिए ताकि कैंडिडेट फ्रॉड होने से बच पाए। ठीक है बच्चों, तो 80% फेस आपका, ये बस इसलिए दिया गया है जनरली जे एंड के जम्मू कश्मीर वगैरह में या फिर वैसे रिलीजन में जहां पे हिजाब की प्रथा है, स्कार्फ की प्रथा है, वहां पे आपको 80% फेस दिखाना होगा। उसमें कलर भी हो सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है, बट कलर में भी व्हाइट बैकग्राउंड ही चाहिए होगा। आगे लिखा हुआ है, चलो लिखा हुआ है विजिबल इंक्लूडिंग, अच्छा ईयर्स, कान भी आपको दिखना चाहिए। हिजाब और स्कार्फ के लिए अगेन बेटा कान आपको प्रॉपरली दिखना है, ऐसा नहीं कि कान छुपा लिया। ठीक है, नेक्स्ट अगेंस्ट अ व्हाइट बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड में आपको फोटो खिंचाना है, कलरफुल, ऐसा नहीं नीला हरा लाल पीला कुछ खिंचा लिया, व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए। चलो जब ये आपने कर लिया, अब देखो कह रहा है कि स्कैंड फोटोग्राफ, जो आपने फोटो खिंचाया है, सिग्नेचर जो स्कैन किया हुआ है आपका सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर, अच्छा जो सिग्नेचर आप करोगे ना वो सेम करना जो टेंथ वाला था। अगर मान लो याद नहीं है तो लगभग अपना कर सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं आती है, या फिर जो अपने बैंक अकाउंट वगैरह में सिग्नेचर देते हो वही करना, ओरिजिनल वाला, मतलब ऐसा नहीं कि रगड़ दिया कुछ अपना, और ऐसा करना कि दोबारा जब आपसे कराया जाए एडमिशन के टाइम पे तो सेम हो। यह इसलिए कराया जाता है कि अभी वाला और एडमिशन के समय मैच कराया जाएगा। कुछ ऐसा घिस दिया, पता लगा सिग्नेचर कर दिया स्टाइल में और वहां हो ही नहीं रहा एडमिशन के समय, रिजेक्ट हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई, सीधा डिस्क्वालीफाई होता है। तो फोटोग्राफ सिग्नेचर ऐसा करना है जो आप रिपीट कर पाओ, तो 10-12 बार सिग्नेचर पहले कर लेना, उसके बाद जाके करना। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर थंब इंप्रेशन, उंगलियों के और अंगूठों के थंब इंप्रेशन जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, जैसे फोटो होता है ना वो पीएनजी फॉर्मेट का होता है, जेपीजी फॉर्मेट का होता है और बहुत सारे अन्य फॉर्मेट में होते हैं, तो जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए। उसके बाद द साइज ऑफ द स्कैन फोटोग्राफ, जो आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले रहे हो वो 10 KB से 200 KB का होना चाहिए, 10 KB से 200 KB का होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद जो साइज ऑफ द पोस्टकार्ड फोटोग्राफ जो ले रहे हो, पहले पासपोर्ट फोटोग्राफ ले लिया, मोबाइल से स्कैन किया, स्कैनर मशीन से स्कैन किया, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तो कोई भी उसमें जाओगे उसका साइज स्टूडियो वालों को पता होता है, बट पासपोर्ट साइज के लिए उसको बताना पड़ेगा कि 4x6 का चाहिए, वो थोड़ा बड़ा होता है, हाथ के साइज का हो जाएगा 4x6। ठीक है, और ये पासपोर्ट साइज सबने देखा है, स्टूडियो वाले नॉर्मली बना देंगे, पोस्टकार्ड के लिए उसको बताना पड़ेगा कि 4x6 का फोटो बनाना है और वो भी 10 KB से 200 KB तक का ही चाहिए, ये स्कैनर मशीन में सेट हो जाएगा। अच्छा मान लो आपका 250 KB बन जा रहा है, मान लो स्कैन करने के बाद आपकी जो फाइल है वो 250 KB बन गई, तो कंप्रेशर आता है, ऑनलाइन कंप्रेशर आता है, उस स्कैन इमेज को कंप्रेशर से कंप्रेस कर लीजिए तो वो 200-150 KB का हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हाई क्वालिटी इमेज है और वो कंप्रेस वो ज्यादा केबी में आ रहा है तो कंप्रेशर से यूज करके बार बार 2-3 बार कंप्रेस कर लीजिएगा तो छोटा हो जाता है। चलिए, ध्यान रखना है कि कंप्लीटली लेजिबल है, मतलब ब्लर्ड नहीं हो, धुंधला नहीं हो और कुछ दिक्कत ना हो उसमें। चलिए, जो सिग्नेचर है उसका भी 4 KB से 30 KB के बीच में ही होना चाहिए, सिग्नेचर के लिए छोटा और कर दिया है और छोटे पेपर साइज पे आप सिग्नेचर कर लीजिए, 10-12 बार पहले कर लीजिएगा फिर करिएगा ताकि एडमिशन के समय दिक्कत ना आए। फिर आ जाओ यहां पे कह रहा है द साइज ऑफ स्कैंड लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर एंड थंब इंप्रेशन एज पर टेम्पलेट, कह रहा है लेफ्ट जो इंप्रेशन है उंगलियों के जो उंगलियों की और थंब इंप्रेशन है उसका साइज इन्होंने 10 KB से 200 KB अगेन लिया हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह है तो 50 KB से 300 KB तक आप दे सकते हैं, अगर एप्लीकेबल है तो, जनरल है कोई दिक्कत नहीं है तो आप आगे बढ़ सकते हैं इसके लिए। चलिए, कह रहा प्लीज चेक योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बिफोर सबमिशन, जो आपने अपलोड किया है फोटोग्राफ एक बार चेक कर लीजिए कि पासपोर्ट साइज के जगह ही पासपोर्ट साइज अपलोड हुआ है, पोस्टकार्ड के जगह ही पोस्टकार्ड अपलोड हुआ है, ऐसा नहीं कि सिग्नेचर में फोटो अपलोड हो गया डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, इंप्रेशन में जाके सिग्नेचर अपलोड कर दे डिस्क्वालीफाई, हो सकता है आपकी गलती ना हो, साइबर कैफे वाले गलती कर दे, बट सीधा इस बार डिस्क्वालिफिकेशन है, प्लीज मार्क इट। ठीक है, कह रहा है इनकेस द फोटोग्राफ और सिग्नेचर इज ब्लर्ड, अगर मान लीजिए ब्लर्ड है और नॉट विजिबल और विजिबल नहीं है तो फिर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। सीधा सीधा इस बार यार बहुत ज्यादा एनटीए स्ट्रिक्ट दिख रहा है कि सीधा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा एंड नो ऑप्शन फॉर करेक्शन, करेक्शन और रिवीजन का सिग्नेचर में, फोटोग्राफ में, थंब इंप्रेशन में, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, उससे बचने के लिए एनटीए को इतना स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ी है, वो अच्छी चीज है। चलो द कैंडिड
क्या हुआ, द कैंडिडेट हैज टू अपलोड ओनली हिज या हर फोटोग्राफ। पता लगा कोई पसंदीदा इंसान है, उसकी फोटोग्राफ अपलोड कर दिया। नहीं नहीं भाई ये स्मार्ट है, मेरा भाई का फोटो डाल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद का फोटोग्राफ ऑब्वियस है, वैसे सिग्नेचर खुद का होना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर खुद का होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, दूसरे से सिग्नेचर करा के और बोलते हैं कि यार साइबर कैफे वाले आप ही कर दो ना, है ना। कई लड़कियां हैं जो फॉर्म भरने नहीं जाते, उसका भाई भरने जाता है और वो सिग्नेचर मार के चले आता है। बेटा अगर वो वाला सिग्नेचर वहां मैच नहीं हुआ एडमिशन के समय, डिसक्वालिफाइड माने जाते हैं, ध्यान से, ठीक है। और कह रहा है कि सबको ध्यान से देखना, थंब इंप्रेशन, सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड फिंगर, थंब इंप्रेशन, सब कुछ। कह रहा है कि करेक्टेड या प्रॉपर वे में आपको करना है, इन केस, क्योंकि फैसिलिटी फॉर करेक्शन विल नॉट बी गिवन इन द फ्यूचर। करेक्शन फैसिलिटी फ्यूचर में नहीं दिया जाएगा, इसलिए ध्यान से करना है इसको। बहुत एनटीए स्ट्रिक्ट है इस बार, प्लीज। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि एडमिट कार्ड, अगर मान लीजिए टैंपरिंग हुई है, मान लीजिए अपना स्कोर कार्ड आपने एडिट करके 90% की जगह 99% कर दिया, या फिर स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड कहीं भी आपने चेंज करके अपलोड किया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, नहीं किया है मान लीजिए, ओरिजिनल अपलोड ना करके टैंपरिंग कर दी, उसमें चेंजेस कर दिया या एडिट कर दिया, तो यार ये अनफेयर मींस है। अनफेयर मींस से सीधा डिस्क्वालिफाई हो गए, ठीक है। अनफेयर मींस है और सीधा आपके पास अनफेयर मीन प्रैक्टिसेस में सीधा डिस्क्वालिफाई हो गए, जेल भी जा सकते हो। चलो नेक्स्ट, अब फी पेमेंट की बारी आती है। मैंने बोला था आपको स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, तीन स्टेप में फॉर्म भरना है। स्टेप वन में जनरली आपका डिटेल्स है, स्टेप टू में फैमिली डिटेल, पेरेंट इनकम, पापा का इनकम, मामा का इनकम वगैरह वगैरह पूछा जाएगा। स्टेप थ्री में पेमेंट करना है। पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई, इन चारों माध्यम से ही हो सकता है। आप कहोगे बैंक का चलान कर दो, वो वाला सिस्टम हटा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, बैंक चलान पहले था अब नहीं है। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप वन स्टेप टू, द कैंडिडेट हैव टू पे द एग्जामिनेशन फी। कैसे कैसे पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई, ठीक है ना। जीएसटी वीएसटी जो भी फाइनल आएगा ना वो पे कर देना। वो कह रहा है जीएसटी भी अलग से पे करना है, तो अलग से कुछ नहीं पे करना है, वो जो फाइनल अमाउंट आएगा ना 1600 कुछ 1700 कुछ वही आपको देना है। चलिए जब आप फाइनल पे कर दोगे, तो पेमेंट करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कंफर्मेशन पेज ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा। जो आपने फॉर्म भरा है उसको पूरा का पूरा फॉर्म आपको निकाल के दे देगा वो, पेड रजिस्टर्ड, फाइनली रजिस्ट्रेशन हो गई है, फाइनली आपका फॉर्म भरा जा चुका है। सक्सेसफुल पेमेंट के बाद वो आपको एक कंफर्मेशन पेज निकाल के देगा, और वो कंफर्मेशन पेज की तीन चार कॉपी रखनी है आपके पास, ठीक है ना। कंजूसी नहीं करना है। अगर कंफर्मेशन पेज जनरेट नहीं हुआ तो क्या करना है, दोबारा पेमेंट करिए। ये कह रहा है कि अगर कंफर्मेशन पेज जनरेट नहीं हुआ, इसका मतलब पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है। साइबर कैफे वालों से बच के रहिएगा, वो कुछ भी आपको दिलासा दे देते हैं कि सेंटर पे मिल जाएगा, तो काउंसलिंग के समय हो जाएगा, मैंने बहुत कराए हैं, ये सब मत करिएगा। दोबारा पे करिएगा, और मान लो यूपीआई से किया और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो डेबिट कार्ड से करिए। डेबिट कार्ड से नहीं हो रहा, क्रेडिट से करिए, उससे नहीं हो रहा, नेट बैंकिंग से करिए। 1700 बचाने के चक्कर में फ्यूचर खराब मत कर लीजिए। वो कह रहा है कि अगर मान लीजिए कंफर्मेशन पेज जनरेट नहीं हुआ, तो बैंक जाके चेक करिए आपका पेमेंट नहीं हुआ है। इतना टाइम हमारे पास नहीं है, कोई हेल्पलाइन और ईमेल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मान लो आपने पहली बार कंफर्मेशन पेज नहीं आया, आपके 1700 गए, दोबारा भरना है, 1600 गए, दोबारा भरना है। दोबारा भरने का मतलब दोबारा पेमेंट करना है, ऐसा नहीं नया फॉर्म भर दिया। एक ही बार फॉर्म भर सकते हो, दूसरी बार में रिजेक्ट है। चलो नेक्स्ट। कह रहा है डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए कंफर्मेशन पेज को, मतलब अपने पीडीएफ में सेव कर लीजिए, प्रिंट आउट भी निकाल लीजिए, डाउनलोड भी कर लीजिए, और क्योंकि फॉर फ्यूचर रेफरेंस आगे इसका बहुत काम आएगा। जब तीनों स्टेप, आप तीनों स्टेप या तो साथ भी कर सकते हो, एक ही घंटे में बैठे एक घंटे में पूरा फॉर्म भर दिया, या फिर तीनों स्टेप को आप हो सकता है आज स्टेप वन भरो, कल स्टेप टू भरो, परसों स्टेप थ्री भरो। चलो यहां तक हो गया। कह रहा है कि कैंडिडेट्स को इंश्योर करना है कि इंफॉर्मेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्ट है। क्यों? अगर नहीं किया तो बेटे गए। अच्छा, दूसरा चीज, कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट करेक्ट ईमेल एड्रेस आपने डाला है, मोबाइल नंबर करेक्ट डाला है। क्यों? क्योंकि फर्दर प्रोसेसेस के लिए ओटीपी उन्हीं एप्लीकेशन नंबर और मोबाइल नंबर पे आएगा। मान लीजिए आपने कल को पासवर्ड भूल जाते हो, तो पासवर्ड ये मोबाइल नंबर के ओटीपी से चेंज होगा, या आप जो आपका ईमेल आईडी है उसकी ओटीपी से चेंज होगा। चलो नेक्स्ट। कह रहे कॉपी ऑफ कंफर्मेशन पेज, स्कैंड ओएमआर एंड स्कोर कार्ड विल बी सेंड टू द, कह रहा है कि जो आपका कंफर्मेशन पेज है ना, वो आपको ईमेल पे भी आएगा और मोबाइल नंबर पे भी मैसेज आ जाएगा। दूसरा,
OMR जो आप भरोगे उसका स्कैन कॉपी भी इसी ईमेल आईडी पे आएगी। जो आप फर्दर स्कोर कार्ड आएगा रिजल्ट के दिन वो भी इसी ईमेल आईडी पे एनटीए भेजेगा। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर खासकर बहुत अच्छे से भरना है, और वैसा भरना है जिसमें रिचार्ज हो। पता लगे सर रिचार्ज ही नहीं है, वो तो व्हाट्सएप नंबर था केवल, रिचार्ज नहीं है इसलिए वो नहीं आ रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है। बेटा रिचार्ज करके रखना है जब तक एडमिशन ना हो जाए तब तक। कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट वो कॉन्टेक्ट डिटेल, एड्रेस डिटेल, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी का स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। जो भी आपने भरा वो फाइनल ट्रीट होगा। ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन सिटी लास्ट में जाके चेंज करने में नहीं मिलेगा इस बार चेंज करने, ठीक है। आप सोचोगे पीडब्ल्यूडी स्टेटस हम चेंज करें बाद में डिसेबिलिटी दिखाएंगे, नहीं हो पाएगा चेंज। एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज नहीं हो पाएगा, एड्रेस चेंज नहीं हो पाएगा, कॉन्टेक्ट डिटेल चेंज नहीं हो पाएगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट चेंज नहीं हो पाएगा, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो पाएगा, चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी चेंज नहीं हो पाएगा, कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा। कुल मिला के ये है कि आपको सब कुछ एक बार फाइनली भरना है। अब आओ, कह रहा है सच पार्टिकुलर विल नॉट बी कंसिडर्ड बाई, कह रहा है कोई भी चेंज इसमें नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं कि पहले लिखा ट्वेल्थ में कुछ और परसेंटेज बाद में कुछ और परसेंटेज बता रहे, नो वो चेंजेस नहीं होंगे। जो प्रेजेंट आपके पास है वही भरना है। नेक्स्ट, एनटीए डज नॉट एडिट या मॉडिफाई एनी इंफॉर्मेशन, एनटीए कोई भी एडिट या मॉडिफाई नहीं कराएगा, ठीक है ना। एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन इंफॉर्मेशन विल नॉट बी एंटरटेन, कोई भी आपको करेक्शन विंडो वगैरह के लिए एंटरटेन नहीं किया जाएगा। देयरफॉर अटमोस्ट कॉशन आपको भरना है ताकि फॉर्म भरा जाए, ताकि फॉर्म भरने से पहले घाई नहीं करना है, पहले ही बता देता हूं। बहुत एनटीए स्ट्रिक्ट है इस बार, जो भी फॉर्म का साइज है, जो भी सब साइज वगैरह बताया है उसी को भरना है। आइए, कह रहा है एनटीए डिस्क्लेम्स एनी लायबिलिटी दैट मे अराइज टू द कैंडिडेट। कह रहा है एनटीए की कोई लायबिलिटी नहीं है अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन भरा तो, ऑब्वियस है वो आपकी जिम्मेवारी थी। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड जो हुआ है वो खुद का हो, या क्योंकि रिलेवेंट इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन एनटीए उसी ईमेल से करेगा। आप अपने दोस्त का ईमेल आईडी दे दिया तो दोस्त पर जाएगा रिजल्ट कार्ड, और वो हल्ला मचा देगा अगर मान लो नहीं हुआ तो, ठीक है। ये कह रहा है, कहने का मतलब इसका ये है। चलिए अब आ जाओ, द फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल रिमेन इनकम्प्लीट इफ स्टेप थ्री, कह रहा है कि अगर पेमेंट नहीं हुआ, स्टेप थ्री नहीं हुआ तो फाइनल आपका सबमिशन नहीं हुआ है, ठीक है। इंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर नीट यूजी इज ऑनलाइन, कह रहा है कि पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको फैक्स से नहीं भेजना है, ईमेल नहीं करना है, कुरियर नहीं करना है, कुछ भी, सब कुछ ऑनलाइन है। देयरफॉर कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड या सबमिट डॉक्यूमेंट्स, आप हाथ से एनटीए के ऑफिस में ले जाकर जमा कर दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, पूरा ऑनलाइन होगा। एनटीए इज फैसिलिटेटिंग ऑल कैंडिडेट्स विद एन एडिशनल प्रोफाइल, कह रहा है कि उमंग नाम का एक प्लेटफॉर्म है या फिर डीजी लॉकर नाम का एक ऐप है, ऐप वेबसाइट दोनों है, उमंग का भी ऐप वेबसाइट है और डीजी लॉकर का भी ऐप वेबसाइट है। आप वहां से अपनी 10th की एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो अगर मान लो आपके पास नहीं है तो, आप वहां से अपनी 12th की एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो, आप वहां से आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, बस आपके पास मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। चलो, एनटीए आपके डेटा का इंटरनल प्रोसेस के लिए यूज कर सकता है, इंटरनल प्रोसेस मतलब एडमिट कार्ड वगैरह बनाने के लिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म, केवल एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, एंड टू टेक अटमोस्ट केयर वाइल फिलिंग आउट देयर पार्टिकुलर लाइक मोबाइल नंबर और ईमेल। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज टू यूज मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस दैट आर एक्सेसिबल टू देम सच एज देयर पेरेंट आर गार्जियन, पेरेंट या गार्जियन का भरो या फिर खुद का भरो जो आपके पास हमेशा हमेशा के लिए रहे। ध्यान रखिए एप्लीकेशन नंबर, ध्यान रखिए पासवर्ड, ध्यान रखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन, ध्यान रखिए मोबाइल नंबर, ध्यान रखिए आपका ईमेल आईडी, बस ये चीजें तो बहुत अच्छे से रखनी ही है। चलिए, एनी रिक्वेस्ट टू चेंज द क्वेश्चन पेपर मीडियम, क्वेश्चन पेपर का मीडियम ध्यान से रखना है। अगर आप इंग्लिश भरते हो तो केवल इंग्लिश में पेपर मिलता है, अगर आप हिंदी भरते हो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलता है, कि अगर आप इंग्लिश भरते हो तो केवल इंग्लिश मिलेगा, अगर आप हिंदी भरते हो तो दोनों मिलता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलता है, अगर आप एसमीज भरते हो तो एसमीज इंग्लिश दोनों मिलता है, आगे बताता हूं। तो इसलिए कोई भी पेपर क्वेश्चन पेपर मीडियम ये चेंज नहीं होगा, एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं होगा, डेट एंड टाइम प्रोवाइडेड ऑन द एडमिट कार्ड शैल नॉट बी कंसिडर्ड इन कोई भी सर्कमस्टांस के अंदर, ये सब चेंज नहीं होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन पेपर मीडियम खासकर ध्यान से देखना है। चलो, अब देखो कह रहा है बड़ी अच्छी बात कि कैंडिडेट को 6 से 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, आप कितना कराओगे 8, पोस्ट कार्ड साइज 6, तो आप 8 पोस्ट कार्ड और 8 पासपोर्ट आज निकलवा लोगे जाके, ठीक है।
आप कलर में भी करा सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट में भी करा सकते हो, कलर में भी ब्लैक व्हाइट बैकग्राउंड ही होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, विद व्हाइट बैकग्राउंड द फोटोग्राफ्स आर टू बी यूज्ड फॉर अपलोडिंग ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो फॉर द काउंसलिंग एडमिशन। कह रहा है ये फोटोग्राफ्स जो आपने यहां स्कैन करके अपलोड किया है ये एडमिशन के समय चाहिए होगा, ये फोटोग्राफ पोस्ट कार्ड साइज वाला ये एडमिशन के समय चाहिए होगा, इसलिए 8-10 कॉपी बनवा के रख लीजिए, 12 कॉपी बनवा के रख लीजिए, एक्स्ट्रा रख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा कह रहा है कि ऑल कैंडिडेट अपियरिंग इन नीट यूजी मस्ट रेगुलरली चेक अपडेट ऑन द वेबसाइट ऑफ exams.nta.ac.in। exams.nta.ac.in पे ही कोई अपडेट आएगा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये वाला वेबसाइट पे कुछ आएगा, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम कोई भी अपडेट आएगा आपको बता देंगे। हमारा काम आजकल ज्यादातर न्यूज रिपोर्टर का हो रखा है, खैर कोई बात नहीं। आइए, कह रहा है कि द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ रेस्पेक्टिव कैंडिडेट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट डज नॉट मीन दैट कैंडिडेट बिलोंग टू द डोमिसाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट एंड इट नीड्स टू रीअफॉर्म बाय द नेम। देखो कह रहा है कि एनटीए अगर स्टेट भरवा रहा है तो स्टेट का कतई मतलब नहीं है कि आपको डोमिसाइल चाहिए, वहीं के कॉलेज मिल पाएंगे, उसी स्टेट का कॉलेज मिल पाएगा, नहीं। स्टेट जब बस एक इंफॉर्मेशन के लिए लिया जा रहा है, आप ऑल इंडिया में कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं ऑल इंडिया कोटा से, या अगर आप चाहें तो अपने स्टेट में भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो दूसरे स्टेट में भी ले सकते हैं, ठीक है। कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपके रैंक पे बिहाफ पे लिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि उसी स्टेट या उसी सिटी में आपको मिलेगा कॉलेज। चलो सिटी तो नहीं मिलेगा, चलो आगे, ठीक है। ये हमने दो बार आपको पढ़ दिया है, ये एनटी का इंफॉर्मेशन दो बार हुआ है, ठीक है, कि भाई आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह एक बार ही भरना है फॉर्म, ईमेल आईडी और फोन नंबर दो बार नहीं भरना है, ईमेल आईडी और फोन नंबर अच्छे से भरना है आपको। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है कि चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी डिस्प्लेड ऑन द कंसीडरेट, जो आपका एग्जाम सिटी है वो किस बेसिस पर रहेगा। तो जो भी आपने प्रेजेंट एड्रेस भरा है, मान लो आप दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहे हो, या कोटा में रहकर तैयारी कर रहे हो, या हैदराबाद रहकर तैयारी कर रहे हो, तो करेंट एड्रेस वो वाला भर दिया, और परमानेंट एड्रेस जो आपके घर का है, जैसे मान लो मैं कोटा रहकर तैयारी कर रहा हूं, तो मेरा करेंट एड्रेस हो गया कोटा का, लेकिन मेरा घर कहां है, मैं बिहार का हूं, मैं मोतिहारी का हूं, तो मेरा प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस विल बी द बिहार वाला, मोतिहारी वाला। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद बेसिकली जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट होगा वो प्रेजेंट एड्रेस करेंट एड्रेस के बिहाफ पे होगा। तो अगर आप करेंट एड्रेस बिहार भरे हो तो बिहार मिलेगा, अगर आप प्रेजेंट एड्रेस कोटा भरते तो कोटा के आसपास या कोटा मिलता है या दिल्ली मिलता है। चलिए ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं कि एनटीए का काम क्या है, एनटीए क्या करता है। हां यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ऑल कैंडिडेट शैल इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन लाइक उसका नाम, उसका मदर नेम, उसका फादर नेम, उसका जेंडर, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका कैटेगरी, उसका पीडब्ल्यूडी स्टेटस, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फोटोग्राफ, उसका लेफ्ट हैंड फिंगर और थंब इंप्रेशन, उसका सिग्नेचर, उसका चॉइस ऑफ सिटी, ये सब के सब इन द ऑप इज करेक्ट, वो करेक्ट भरना चाहिए और खुद का होना चाहिए, मोबाइल नंबर, उसका नाम, किसी और का नहीं भर देना है, ये तो सिंपल है। कह रहा है कि अटमोस्ट केयर से भरिए, क्योंकि एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज, कम से कम चौथी पांचवीं बार लिख दिया है, any request for change in particulars and uploaded scanned image at any stage will not be entertained, theek hai। chaliye next, NTA will not entertain the correction sent by the candidate through post। aisa nahi ki aap email kar do ki NTA hamare form mein galti ho gayi hai, NTA ko fax kar diya, NTA ko whatsapp kar diya, bahut achhi baat hai, ye sab NTA entertain nahi karega। keh raha hai ki agar maan lijiye NTA ko aisa milta hai ki एनटीए ने किसी और का नाम, किसी और का फादर्स नेम, या किसी और का इमेज, या किसी और का सिग्नेचर अपलोड किया है, तो वो अनफेयर मींस में आएगा और आप एग्जाम से डिस्क्वालीफाई तो हो गई, जेल भी जा सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है कैंडिडेट को एग्जामिनेशन सेंटर में कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं होगा, इनफैक्ट पानी की बॉटल भी ले जाना अलाउड नहीं होता है। ये सब तो भूल ही जाओ कि आपको स्टेशनरी चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, पेंसिल बॉक्स चाहिए, यह सब कुछ भी, ईयरफोन, मोबाइल, लॉग टेबल, कुछ भी नहीं ले जाने दिया जाएगा, आपको सिंपल पेन ले जाने का अलाउंस होता है, दैट्स इट। कुछ कुछ सेंटर पे पेन भी सेंटर वाले ही प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट्स रिक्वेस्ट टू रिटेन अ कॉपी ऑफ द कंफर्मेशन पेज के 10-12 कॉपी निकलवा के रख लीजिएगा, ताकि आपके बाद में काम आता रहेगा, ठीक है। उसके बाद एनटीए का काम क्या है यह सब बताया हुआ है। चलिए यह करने के बाद नीट यूजी एग्जाम क्या है, नीट यूजी एग्जाम के बारे में यह सब बताया है कि ये जितने भी
मेडिकल एग्जाम होते हैं वो सब होता है। कह रहा है देखो द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द एनटीए इज exams.nta.nic.in, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन इसी पे आएगी। कैंडिडेट को चेक करना, आपको चेक वेक नहीं करना है, हम सब है ना, हम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन सा वेबसाइट आपको देखना है, ये बिल्कुल बिल्कुल भी आपके काम का नहीं है, ये बिल्कुल भी आपके काम का नहीं है। हाँ, अब आते हैं यहां पे कि सर पैटर्न ऑफ द टेस्ट क्या होगा, सिलेबस ऑफ द टेस्ट, आइए सिलेबस ऑफ द टेस्ट क्या होगा। तो सिलेबस जो आपको एनटीए ने चेंज करके दिया था वो डिलीटेड सिलेबस के बाद जो बचा हुआ सिलेबस था वही सिलेबस है। सिलेबस में एनटीए ने कोई चेंज नहीं किया है, वही जो स्कैन करके एक पीडीएफ सर्कुलेट हुई है वही वाली स्कैन पीडीएफ ही है सिलेबस में, जो डिलीट हुआ है वो एज इट इज डिलीटेड ही है, कोई नया एडिशन सब्स्ट्रैक्शन सिलेबस में नहीं हुआ है। चलिए पैटर्न ऑफ द टेस्ट क्या है, तो सर दो सेक्शन में पेपर होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन रहेगा। सही करने पर 4 नंबर, गलत करने पर -1 नंबर, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया, क्वेश्चन छोड़ दिया, तो 0 नंबर। ठीक है, सही करने पर 4 नंबर, गलत करने पर -1 नंबर, और अनअटेम्प्ट कर दिया तो 0 नंबर। 35 और 15 में हर चीज डिवाइडेड है, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, ये सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए में ऑल 35 हैज टू बी, सेक्शन ए में सारे 35 करने होते हैं, सेक्शन ए में सारे 35 आपको करने होते हैं। सेक्शन बी में 15 में से 10 करना होता है, सेक्शन बी में 15 में से 10 करना होता है, सेक्शन बी में 15 में से कोई भी 10 करना होता है। ऐसा नहीं कि आपको रिस्ट्रिक्शन है कि पहले 10 करने, सेक्शन बी में 15 में से कोई भी 10 करना है। सेक्शन बी में भी वही है कि सही करने पर +4, गलत करने पर -1, और अनअटेम्प्ट कर दिया तो 0 नंबर, ये आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब देखो यही कह रहा है, करेक्ट आंसर +4, रॉन्ग आंसर -1, अनआंसर्ड जो है वो 0 नंबर देगा। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, यहां पे पहले ही इस बार मेंशन कर दिया कि अगर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो गया, मान लीजिए एनटीए एक ऐसा पेपर बना के दिया जिसमें कुछ क्वेश्चन के मोर देन वन ऑप्शन है, तो मोर देन वन ऑप्शन है और मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, देन +4 मिलेगा टू ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि अगर मान लीजिए ए भी आंसर है, सी भी आंसर है, और जिसने भी ए मारा हुआ है या सी मारा हुआ है उन्हीं को +4 मिलेगा। अगर आपने बी मारा है तो -1, डी मारा है तो -1। ध्यान दीजिए, कह रहा है मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, तो उन करेक्ट ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपने मार रखा है तो आपको +4 मिलेगा, कोई अदर मारा हुआ है तो -1 मिलेगा, और अगर आपने अनआंसर्ड है तो 0 मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, इफ ऑल द ऑप्शन आर फाउंड टू करेक्ट, कह रहा है कि सारे ऑप्शन मान लो करेक्ट है तो +4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड, और किसको मिलेगा, जिसने अटेम्प्ट किया है, जिसने छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि सर बोनस मिलेगा तो मुझे भी मिलेगा, नहीं, जिसने अटेम्प्ट किया है, अगर मान लो ए बी सी डी सारे ही सही है तो कोई भी आपने अटेम्प्ट किया होगा तो आपको +4 मिल जाएगा। चलो, कह रहा है कि इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड टू करेक्ट, कह रहा है कि या तो ऑप्शन ही करेक्ट नहीं है, या फिर कह रहा है कि क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग, या क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, तो क्या हो जाएगा, देन अ क्वेश्चन उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाएगा, क्वेश्चन को माना जाएगा डिस्क्वालिफाइड क्वेश्चन है, एंड +4 मार्क्स दिया जाएगा इनरेस्पेक्टिव द क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है नहीं किया। कह रहा है एनटीए की मान लो गलती है, उसने गलत ही क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, ऐसा क्वेश्चन बनाया जिसका चारों में से कोई भी आंसर सही नहीं है, तो ये बोनस होता है। ठीक है, बोनस कैसा होगा, अगर एनटीए ने ब्लंडर कर दिया, सारे क्वेश्चन गलत, पूरा क्वेश्चन ही मान लो गलत है, या ऐसा क्वेश्चन है जिसका चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो वो सबको +4 दे देगा, जितने भी कैंडिडेट अपीयरिंग थे सबको +4 हो जाएगा, इनरेस्पेक्टिव कि आपने किया या नहीं किया। लेकिन अगर सारे ऑप्शन सही है तो उसमें से कोई भी ऑप्शन मार्क किया है तभी +4 है, अगर छोड़ दिया तो +4 नहीं है, बोनस नहीं है। अगर मान लो एक से ज्यादा आंसर सही है और उसमें से सही वाले में से कोई मारा है तो +4 है, गलत वाला मारा है तो -1 है, और छोड़ दिया है तो 0 मार्क्स मिलेगा। ऑप्शन सेक्शन बी में 15 में से 10 करना है, 15 में से कोई भी 10 करना है, चलिए आपकी मर्जी है, आप कोई भी 10 करिए। सेम यहां भी है कि अगर एक से ज्यादा सही है तो सही वाला मारा है तभी +4 मिलेगा, कोई भी सही वाला मार दो तो +4 मिल जाएगा, नहीं मारा है तो कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, और अगर गलत मारा है तो -1। अगर चारों ही ऑप्शन सही है तो फिर कोई भी ऑप्शन मारा है तो +4, और अगर क्वेश्चन ही गलत है या फिर ऑप्शन सही नहीं है, चारों ऑप्शन ही गलत है, तो फिर आपको +4 उस केस में सबको मिलता है। चलो अब आता है मोड ऑफ द एग्जामिनेशन, पेन पेपर बेस्ड है, ऑफलाइन पेपर होगा, आपको सेंटर दिया जाएगा, वहां जाके आपको भरना है। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट 3 घंटे 20 मिनट की होगी, 200 मिनट।
ठीक है, मीडियम ऑफ द पेपर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, 11 मीडियम में होता है, यहां पे लिखा हुआ है हाईलाइट करके, 11 मीडियम में होता है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 13 मीडियम में होता है। ये सारे मीडियम जो हाईलाइटेड में लिखे हुए, इंग्लिश में होता है, हिंदी, उड़िया, मराठी, असमीज, तमिल और बंगाली, तेलुगु, गुजराती, उर्दू, मलयालम, पंजाबी और कन्नड़ में होता है, ये 13 मीडियम में होता है। क्वेश्चन पेपर ऑफ द मीडियम शुड बी केयरफुली चूज़न। अगर आपने इंग्लिश चूज किया है तो केवल इंग्लिश में पेपर मिलेगा, पतला सा बुकलेट मिलेगा। लेकिन अगर आपने हिंदी चूज किया है तो हिंदी प्लस इंग्लिश मिलता है, टेक्स्ट बुक में दोनों मिलता है, ठीक है। कह रहा है अगर कोई भी रीजनल लैंग्वेज लिया है तो इंग्लिश प्लस रीजनल लैंग्वेज मिलता है। मान लो अगर आपने तमिल चूज किया है तो इंग्लिश प्लस तमिल में मिलेगा, एक ही पेपर में दोनों साइड रहता है, इंग्लिश और तमिल दोनों रहेगा, ठीक है। तो कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे, सर हम भले ही हमें इंग्लिश में देना बट मैं हिंदी भरता हूं। हाँ, पढ़ने को भर सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट अगर आपको पढ़ना ही इंग्लिश में है तो क्यों आपका टाइम वेस्ट करोगे, ज्यादा क्वेश्चन दिखेगा, ज्यादा सब कुछ दिखेगा, कंफ्यूज ही होगे। चलो, कह रहा है कि अगर मान लो कि अगर ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत आ रही है, मान लो एसमीज में उसका मतलब कुछ और निकल रहा है, तो इंग्लिश वाले को बेस माना जाएगा और इंग्लिश वाले को सही माना जाएगा। कह रहा है मान लो आपने हिंदी में माना और हिंदी में ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ आ रहा है, जैसे लास्ट ईयर भी हुआ था, उसका मतलब कुछ और निकल रहा था, तो कहता है कि अगर मान लो हिंदी वाले में कोई गड़बड़ी होती है और कोई एम्बिग्विटी होता है कि ये होगा वो होगा या कोई दोनों हो सकता है, ऐसा कुछ केस अराइज हुआ, तो फिर इंग्लिश वाले को ट्रांसलेशन को सही माना जाएगा, तो बेस ऑन इंग्लिश को माना गया है, ठीक है। फिर कह रहा है कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर नीट, जो भी क्वालिफाई करेगा वो ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा सबके लिए एप्लीकेबल होगा, उसका दो रैंक आएगा, एक स्टेट के हिसाब से, एक ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से, ठीक है। चलिए, फिर ये कह रहा है कि इंग्लिश पेपर सारे एग्जामिनेशन सेंटर में होगा, इंग्लिश और हिंदी सारे एग्जामिनेशन सेंटर में अवेलेबल है, एसमीज देना है तो आसाम में ही देना पड़ेगा आपको पेपर, बंगाली देना है वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड अंडमान और निकोबार में मिलेगा, गुजराती में पेपर देना है तो गुजरात, दमन, दीव, दादर, नागर हवेली में मिलेगा, कन्नड़ में देना है तो कर्नाटका में होना पड़ेगा, मलयालम में पेपर देना है तो केरला एंड लक्षद्वीप में मिलेगा, मराठी में पेपर देना है तो महाराष्ट्र में देना पड़ेगा, उड़िया में पेपर देना है तो उड़ीसा में देना पड़ेगा, पंजाबी में देना है तो बेटा पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, न्यू दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, पंजाबी में आप पेपर दे सकते हैं, तमिल में देना है तो तमिलनाडु, पौंडीचेरी और अंडमान और निकोबार में, तेलुगु में पेपर देना है तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, उर्दू में पेपर देना है तो ऑल एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेना कि मीडियम ऑफ द पेपर एक बार ही हो पाएगा, बार बार चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सिटी कौन कौन सी सिटी है वो आपको सिटी आपके स्टेट वहां पे दिखाएगा, ड्रॉप डाउन होता है वहां पे दिखाएगा, ठीक है। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से ही एग्जामिनेशन सिटी आपको वेबसाइट पे दिखाया जाएगा। चलिए, ये सब हो गया। उसके बाद एलिजिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन एलिजिबल है। तो देखो, अगर कैंडिडेट 17 साल का कंप्लीट करता है, कब तक ये इंपॉर्टेंट है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, या तो एडमिशन जिस दिन हो रहा है उस दिन तक 17 साल का हो जाए, या फिर विल कंप्लीट दैट एज ऑन 31st दिसंबर ऑफ द ईयर। मान लो 2024 में आपका एडमिशन होना है, 14 जून को पेपर हुआ, मान लो 10 सितंबर को आपका एडमिशन हो रहा है, या मान लो 10 अक्टूबर को आपका एडमिशन हो रहा है, तो या तो 10 अक्टूबर तक 17 साल कंप्लीट हो जाए, या फिर 31 दिसंबर इसी साल के लास्ट तक आपका 17 साल कंप्लीट हो जाए। क्या कह रहा है कि या तो एडमिशन के समय तक 17 साल कंप्लीट हो जाए, या फिर बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द ईयर ऑफ द एडमिशन, जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा उस फर्स्ट ईयर के 31 दिसंबर तक, यानी कि मान लो 14 जून 2024 को आपका रिजल्ट आया, 10 अक्टूबर को आपका काउंसलिंग के बाद एडमिशन होना है, या तो 10 अक्टूबर तक 17 साल हो जाए, या तो 31 दिसंबर 2024 तक, या तो 10 अक्टूबर तक एडमिशन डेट तक हो जाए, या तो 31 दिसंबर 2024 तक आप 17 साल के हो जाए। फॉर कैंडिडेट ऑफ जनरल और ओबीसी वगैरह सबके लिए जो एप्लीकेबल है, 31 12 2007 से पहले या उस दिन तक, या तो आप 31 दिसंबर 2007 या उससे पहले पैदा हुए तो फिर आप दे सकते हैं, तो फिर आप एलिजिबल हैं। चलिए, अपर एज लिमिट अभी कोई भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में केस लग रहा, अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, एनआरआई वगैरह के लिए मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि एनआरआई वगैरह मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा देख रहे होंगे हमारा वेबसाइट, हमारा चैनल। चलिए, क्वालिफिकेशन और एग्जामिनेशन कोड, देखो कोड में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो सबसे पहले देखो कोड नंबर 1 किसको भरना है, जो इस साल 2024 में 12th देगा,
जो इस साल 2024 में 12th देगा उसके लिए कोड 1 है, और 2024 में 12th देगा और पहली बार नीट दे रहा है तो उसका कोड 1 है। सिंपल, ये पूरा बड़ी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ, लेकिन ध्यान रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिश के साथ साथ। फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश बायो या बायोटेक्नोलॉजी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए और 50% कंबाइन होना चाहिए। चलो यहां पे आ जाओ, अभी उस पे भी आऊंगा। कोड 2 किसका है? कोड 2 इसका है कि कोई भी आप 12th, कोई भी 12th रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से है, सीबीएसई से है, आईसीएसई से है, या कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, जितने भी स्टेट बोर्ड से है, वहां से आप पास आउट हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, कोड 1 जो इस साल पास होगा, जिसका एग्जाम अभी है, जिसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, वो कोड 1 है। कोड 2 जो पास कर चुका है एग्जाम, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या किसी भी सेंट्रल सीबीएसई से हो या आईसीएसई से हो, किसी से भी हो, कह रहा है इक्विवेलेंट टू क्लास 12 तक आप पास हो और द लास्ट 2 इयर्स वही 11th और 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या बायोटेक्नोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए एंड मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव। मैथमेटिक्स अगर इलेक्टिव है तो भी चलेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। With English as a level not less than the course of a, कह रहा है English को भी main subject में लिया हो, मतलब physics, chemistry, bio या biotechnology and English भी होना चाहिए, mathematics को elective आप ले सकते हैं। चलिए, तो ये code 2 हो गया। ठीक है, कह रहा है कि open school से हैं या private candidate हैं तो इनका case चल रहा है, वैसे तो allowed नहीं है but इनका case चल रहा है तो अभी के लिए allowed है। अगर आप open school से हैं, क्लास 12 दे चुके हैं, पास हो चुके हैं, या प्राइवेट कैंडिडेट है, आपने पास कर चुके हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आप एडमिशन दे सकते हैं, हालांकि इस पर केस चल रहा है। तो अगर मान लीजिए केस का रिजल्ट आ गया, आपके एडमिशन से पहले रिजल्ट आ गया कि नहीं नहीं ओपन वाले को अलाउ नहीं करेंगे, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ओपन के हैं और आप वो दे रहे हैं, प्राइवेट कैंडिडेट हैं, ओपन स्कूल से, किसी अनरिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने 12th पास किया है, तो अभी के हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यही चीज यहां पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कोड 3 किसका है? कोड 3 कह रहा है कि इंटरमीडिएट या प्री डिग्री एग्जामिनेशन इन साइंस ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी या बोर्ड अदर रिकॉग्नाइज्ड एग्जाम, जैसे कई लोग डिप्लोमा वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, तो अदर डिप्लोमा वगैरह के लिए जो 10+2 ना करके डिप्लोमा कर लिया, तो वो भी अगर इंडियन यूनिवर्सिटी या बोर्ड या अदर एग्जामिनिंग बॉडी से आप पास हैं। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी मेन होना चाहिए, इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश मेन सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट, जो डिप्लोमा वगैरह कर लेते हैं, डिग्री कोर्सेज करते हैं, उनके लिए कोड 3 हो गया। कोड 4 किसके लिए है? प्री प्रोफेशनल प्री मेडिकल एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायो, जैसे मान लो कुछ लोग उसमें चले जाते हैं सीधा डायरेक्ट 10th के बाद, कुछ ऐसे डिग्री कर लेते हैं जो प्री प्रोफेशनल डिग्री है, जैसे मान लो ITI वगैरह कर लिया, डिप्लोमा इन समथिंग कर लिया, लेकिन ध्यान रखेंगे उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या बायोटेक्नोलॉजी इंग्लिश मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उनके लिए कोड 4 है, डिप्लोमा वगैरह ITI वगैरह के लिए अगेन ये वाला है। ठीक है, अब आते हैं, अगर आप BSc कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में है तो BSc फर्स्ट ईयर के लिए कोड 5 है। अगेन आप BSc एग्जामिनेशन ऑफ एन इंडियन दैट ही पास द BSc, अगर आप BSc पास कर चुके हैं विथ नॉट लेस देन 2 सब्जेक्ट, मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री या फिजिक्स बायो या केमिस्ट्री बायो, दो सब्जेक्ट से आपके पास होना चाहिए, तो कोड 6 है। और कोई भी अगर आप एनी अदर एग्जामिनेशन जो 12th लेवल के पास है वो कोड 7 डाल सकते हो। वैसे जनरली मैं बताऊं आपको होता क्या है, मैं आपको बता देता हूं, जनरली कोड 1 और कोड 2 ही भरा जाता है। कोड 1 जो एग्जाम देगा, कोड 2 जो एग्जाम दे चुका है, क्योंकि एग्जामिनेशन के समय आप ये मत बताओ ना उसको कि मैं BSc कर रहा था, BSc की डिग्री से ऐसा तो नहीं है कि वहां पे कुछ एक्स्ट्रा आपको वो मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं। तो आप कोड 1 भरो अगर आप इस साल एग्जाम दे रहे हो, कोड 2 भरो जो आप 12th पास कर चुके हो, बस। ठीक है, अब उसमें BSc की बताने की कोड में जाने की जरूरत नहीं है, आप जब एडमिशन हो जाए तो आप BSc की डिग्री मत बताओ, क्या जरूरत आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो जनरली बच्चे यही करते हैं। नेक्स्ट अब आ जाओ, वैसे मैंने सारे कोड आपको एक्सप्लेन कर ही दिए हैं। अब कह रहा है कि कुछ बच्चों के कोविड की वजह से पेपर नहीं हुआ था तो उनका परसेंटेज नहीं आया था, उनको केवल पास या फेल लिखा गया था, तो कह रहे हैं कि जिनका पास है वो भी हम कंसीडर कर लेंगे, जरूरत नहीं कि परसेंटेज डालें। जैसे तमिलनाडु स्टेट बोर्ड में ऐसा हुआ था कि पास कर दिया गया था, नंबर नहीं मिला था, तो सीधा सीधा पास कर देंगे तो भी हो जाएगा। चलिए, ये सारी चीजें अब आपके पास काम की नहीं है। चलिए, ये सारी चीजें अब आपके काम की नहीं है, कोड वोड बता दिया मैंने। नेक्स्ट जब आपको बताऊंगा, नेक्स्ट आप यहां आ जाओ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट
एडमिशन प्रोसीजर आपको जानने की अभी जरूरत नहीं है, एडमिशन की जानने की जरूरत नहीं है, एडमिशन वगैरह काउंसलिंग वगैरह ये सब बाद में बताया जाएगा, ठीक है, ये सब जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में बताएंगे। कुछ बातें और हैं जो मैं आपको बता दूं। कहां गया, हाँ, ओबीसी एनसीएल शुड बी प्रेजेंट इन द लिस्ट, ये सब हो चुका है, स्टेट कोटा वगैरह ये सब हो चुका है। आजा, हाँ, ये कौन सा है, लाइक वाइज एज पर द डायरेक्शन ऑफ द एनएमसी, आजा भाई, ये सब आपका एडमिशन के समय के लिए है, ठीक है, कौन डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कौन कौन सा बीडीएस में एडमिशन होगा, क्या क्या होगा, चलो आ जाओ, जनरल इंट्रोडक्शन, आ जाओ। कह रहा है कि केवल फॉर्म भर देने से ऐसा मेरली अपीयरिंग एंड क्वालिफाइंग इन द नीट यूजी, ये जरूरत नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाए, क्वालिफाई भी कर गए तब भी आपको प्रॉपर नाम सब कुछ डॉक्यूमेंट सारा सिग्नेचर सब मैच करेगा तभी एडमिशन होगा, ये कह रहा है, ठीक है। अगर फॉल्स और फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इनकंप्लीट एप्लीकेशन वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, एग्जामिनेशन फी एक बार रिफंड नहीं हो पाता है, ठीक है, कंफर्मेशन पेज जनरेट हो तभी समझें कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ, अदरवाइज नहीं हुआ है फॉर्म सबमिट, ठीक है। exams.nta.ac ही आपका मेन वेबसाइट रहेगा 2024 वालों के लिए, चलो, तो ये सारी चीजें आपको बताई गई यहां पे। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए, आइए मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले क्लास 12th का एडमिट कार्ड चाहिए, इलेक्शन कार्ड, कोई भी आईडी कौन कौन चाहिए, राशन कार्ड या बैंक अकाउंट पासबुक विथ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के साथ पासबुक चाहिए, या पासपोर्ट नंबर चाहिए, या कोई भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, जैसे आधार कार्ड भी चलेगा। एनआरआई के लिए पासपोर्ट नंबर ही होगा, और फॉरेन नेशनल या ओसीआई के लिए पासपोर्ट नंबर या सिटीजनशिप सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। तो देख लीजिए ये सब चीज होना चाहिए, तो क्लास 12th का एडमिट कार्ड आई थिंक सबके पास होगा, क्लास 10th का एडमिट कार्ड यहां पर नहीं मान्य होता है, पर आईडी क्लास 10th का एडमिट कार्ड को नहीं माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में इतना का होना चाहिए, पोस्टकार्ड साइज फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में इतना का होना चाहिए, सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में इतना का होना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट थंब इंप्रेशन इतना का होना चाहिए, पीडब्ल्यूडी पीडीएफ फॉर्मेट में इतना का होना चाहिए, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में इतना का होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्लीटिंग, देखो आपके पास अब ये सारी चीजें जो है ना कि फॉर्म कैसे कैसे फिल करना है, वो फॉर्म फिल करके हम आपको एक बार बता देंगे, ठीक है बच्चों, फॉर्म फिल करेंगे फिर आपको बता देंगे ताकि वहां पे आपको हो जाए इंफॉर्मेशन, ठीक है। यस, दैट्स इट, इसमें हो गया है सारी चीजें, इंफॉर्मेशन हमने कवर कर दी है, मीडियम ऑफ द पेपर वगैरह सारा बता दिया, ये सब दो दो बार, एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार लिखा हुआ है पूरा, ये देखो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सिग्नेचर थंब इंप्रेशन ये सब आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। कैंडिडेट की सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा, फी पेमेंट ऐसे होना चाहिए नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये सारी डरावनी बातें बस लिखी हुई है उसमें, ठीक है। अब देखो फॉर्म भरने के लिए क्या क्या आपको चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन पेज पे सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स में कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी और आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिटी टाइप का यानी कि आप आधार कार्ड दे रहे हो या ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हो या 12th का एडमिट कार्ड दे रहे हो, उसका नंबर, उसका एड्रेस, उसमें जो मतलब प्रेजेंट एड्रेस अभी कहां हो, लोकैलिटी क्या है, सिटी, टाउन, विलेज, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐसा दीजिए, मम्मी का नंबर दे दीजिए जो चेंज ना हो पाए, परमानेंट एड्रेस में एड्रेस, लोकैलिटी, सिटी, टाउन, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड चाहिए, पासवर्ड यहां पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर के साथ ये याद रखना पड़ेगा, पर्सनल डिटेल्स में ये सारी इंफॉर्मेशन मांगेगी, आप देख लीजिए पर्सनल इंफॉर्मेशन में ये सारा इंफॉर्मेशन आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में ये सारा कहां प्लेस ऑफ रेसिडेंस है, माइनॉरिटी में हो क्या, रिलीजियस माइनॉरिटी है क्या, मोड ऑफ प्रिपरेशन आपका क्या रहा है वगैरह वगैरह, 10th का, फॉर 10th के लिए, 10th के लिए सारा CGPA कितना है, स्कूल कितना है, मार्क्स कितना है, परसेंटेज कितना है, रोल नंबर कितना है, 11th में क्या क्या है वो सारा चीज भरना है, फिर आपके पास एजुकेशनल डिटेल्स आएगा, उसके बाद 12th इक्विवेलेंट के लिए 10th भरा, 11th भरा, फिर 12th भरा, फिर आपके पास पेरेंट का इनकम डिटेल भरना है ताकि उससे पता चलेगा कि पेरेंटल इनकम से वो बनता है ना क्रीमी लेयर, ओबीसी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर वो पता चलता है, और जनरल में भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या करना है ये देख लो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह अप्लाई करना है, तो 130 चीजें हैं जो आपको भरनी है, 130 चीजें आपको भरनी है, ठीक है। इसके बाद एडमिट कार्ड और बाकी चीजें आ जाती है जो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अभी के हिसाब से, ठीक है बच्चों। तो मैंने थोड़ा डिटेल डेप्थ में जाके
भरना चाहा, अगर मान लीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि पूछना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार आपने गलती कर दी तो शायद रिटर्न नहीं हो पाएगा और आपका साल खराब हो सकता है। तो प्लीज इसको अच्छे से भरिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर एक बार लाइक दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।